हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी सीरीज है आपके आईपैड के लिए। भले ही आपके पास 7 जनरेशन हो, 8 हो या 9 हो, मेरे पास 9 जनरेशन है, तो ये सारे इन तीनों आईपैड्स में फिट बैठेगा। ये बहुत ही शानदार सा बैक कवर है, मतलब ये पूरा फ्लिप कवर है एक तरीके से, और ये मैंने गोल्डन कलर का मंगाया क्योंकि मुझे गोल्डन कलर का आईपैड चाहिए था, वो तो मिला नहीं, तो मैंने कहा ठीक है आईपैड का कवर ही गोल्डन मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्राइस है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस पे आया है। 550 रुपीज़ ओनली मैंने अमेजोन से मंगवाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सोच रहे हो इसको लेने की, तो यार ये बहुत ही मस्त लगा मुझे। पीछे का जो बैक है वो हार्ड वाला बैक है और मैट फिनिश के साथ बैक आता है, तो आपके जो ग्रिप होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फर्म ग्रिप मिलेगी आपको पीछे से होल्ड करने पे। और फ्रंट का जो फ्लिप वाला चीज़ है वो भी काफ़ी शानदार है, मतलब अच्छी क्वालिटी के वीगन लेदर से यूज़ किया गया है, तो ये टीयर आउट तो होगा थोड़े टाइम के बाद, ये फोल्ड हो के बार बार ये टीयर आउट तो होंगे, मतलब चिप आउट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसमें। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है भाई, रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। 550 में आपको ऐसे अच्छे कवर नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे आईपैड का मतलब कलर ही चेंज करके रख दिया है, जो मुझे गोल्डन पसंद है। ये गोल्डन गोल्डन जैसा टेक्सचर मिल रहा है, और पीछे का भी काफ़ी अच्छा मैट टाइप का फिनिश है, और वो भी काफ़ी अच्छा है, होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है, और आगे से भी काफ़ी अच्छे तरीके से वीगन लेदर यूज़ की गई है। पूरे के पूरे जितने भी इसमें हेडफोन जैक वगैरह के सारे पूरे अच्छे से कटआउट भी सही दिए गए हैं, और काफ़ी सही सा लग रहा है यार ये ओवरऑल। और यहाँ पे ये वर्क भी कर रहा है, जैसे ही हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं आईपैड की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक टच भी है, साथ साथ मैग्नेटिक भी मतलब ये जो मैग्नेट से चिपक जाता है पीछे आईपैड के, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो भाई, और ये स्क्रीन ऑन ऑफ भी हो रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। सब कुछ मतलब ये एक 1800 वाले कवर से रिलेट कर सकते हो आप, सब कुछ वैसे ही का वैसा है, बस आपकी प्राइस कम हो गई है। तो भाई ये काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा मुझे इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको ऐसे मतलब ट्रिपल फोल्ड करके ऐसे आप ट्राइंगल बना के भी इसको अपने आईपैड को ऐसे कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। फॉर ऑल दोज मतलब जिनको एक सस्ता कवर चाहिए था, मतलब अच्छे मतलब सस्ता भी और अच्छा भी कवर, तो वो एक ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है उन लोगों के लिए। और मुझे तो भाई काफ़ी सही लगा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 550 में मुझे इतना अच्छा कवर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ देखे थे तो काफ़ी सारे मतलब ऐसे रिव्यूज़ थे कि यार ठीक ठाक है ठीक ठाक है, लेकिन ये वीगन लेदर के साथ जो फिनिश मिल रही है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी सही है। अब इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे कैसा ये यूज़ करता है, लेकिन अभी 550 के हिसाब से भाई प्राइस जस्टिफाइड है, और अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और ट्विटर पे भी मैंने आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एक चीज़ बोलना भूल गया, डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक्स हैं फॉर प्रोडक्ट्स लाइक रियलमी की एसेसरीज, रियलमी के परफॉर्मेंस टेस्ट X7 मैक्स के, या फिर आईपैड के और ज़्यादा टेस्ट, तो वो सारे आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। बाय बाय।